खबर जनपद जौनपुर के रामपुर विकास खंड के नोनारी से है। गुंडा के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का आज जौनपुर जिले में हुआ आगमन। जी हां, आपको बता दें, मड़ियाहूं तहसील के नेवणिया थाना क्षेत्र के नोनारी गांव में विशाल कंबल वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह व विशिष्ट अतिथि मछलीशहर सांसद बीपी सरोज, एमएलसी ब्रजेश सिंह और प्रिंसू सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद बीपी सरोज द्वारा मुख्य अतिथि गुंडा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया गया। बृजभूषण सिंह ने कहा कि आप लोग आत्मनिर्भर बने ताकि देश में और तरक्की आए। कार्यक्रम के आयोजक जितेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, धीरेन्द्र सिंह उर्फ चिंटू के द्वारा तमाम जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में मड़ियाहों सर्किल सहित कई थाने के पुलिस फोर्स सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रही। देखिए पूरी खबर। कुश्ती के महावीर यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। कुश्ती के महावीर यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। कुश्ती के महावीर यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। धरती पुत्र हमारे मेरा आए मेरे पारे, एक छत्री कुल शिरोमणि अभिनंदन आप पधारे। हम अपने घर आपके माथे, हम अपने घर आपके माथे करते डोली चंदन है। कुश्ती के महावीर यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। कुश्ती के महावीर यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। कुश्ती के महावीर यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। तालियों से स्वागत करिए, तालियां का जोर से कर रहे हैं आप। पहलवान कुश्ती किसान और नौजवान की आशा, पहलवान कुश्ती किसान और नौजवान की आशा, देश प्रदेश के लाखों युवा बच्चों की अभिलाषा। पहलवान कुश्ती किसान और नौजवान की आशा, देश प्रदेश के लाखों युवा बच्चों की अभिलाषा। भारतीय कुश्ती विश्व पटल पे आपकी वजह से छाई, बेटे और बेटियां कितने मेडल लेके आई। भारतीय कुश्ती विश्व पटल पर आपकी वजह से छाई, बेटे और बेटियां कितने मेडल लेके आई। हे संसद के सच्चे सेवक, हे संसद के सच्चे सेवक, हाथ जोड़कर वंदन है। अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उनके माध्यम से मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, और आप सब लोगों का आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों, अभी हमारे एमएलसी साहब ने बताया, ये महर्षि यज्ञदम्न की धरती है, और कहीं ना कहीं, भाई माइक मत तेज करिए, और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से भगवान परशुराम का भी लगाव रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि ये महर्षि यज्ञदम्न की धरती है, और ये भी कह सकते हैं कि भगवान परशुराम की भी धरती है। और जौनपुर का जो नाम जौनपुर पड़ा, ये 11वीं शताब्दी में पड़ा है, 11वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में इस्लाम का है। भैया हेलो, चाय काफी, जरा शांत रहो, तो थोड़ी देर के लिए शांत रहो। 17वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रवेश होता है, और 11वीं शताब्दी में इसका जौनपुर के नाम पर नामकरण होता है। जहां तक अयोध्या से इस राज्य का संबंध है,
तो महर्षि यज्ञम पहले हिमाचल में रहते थे, लेकिन किसी राजा के दुर्व्यवहार के कारण उनको यहां आना पड़ा और उस राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो यहां तक आया। तो जब वो यहां तक आया तो अयोध्या से राम और लक्ष्मण वशिष्ठ जी के नेतृत्व में आए थे और उस राजा को शायद समाप्त किए थे। तो आपका संबंध परशुराम से भी है, आपका संबंध यज्ञम से भी है और आपका संबंध अयोध्या से भी है। और यही नहीं, भगवान राम जब वनवास को जा रहे थे तब भी वो जौनपुर होते हुए ही गए थे। बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत शानदार इतिहास है और